सर कुछ कह रहे हैं चले चलिए आप बताइए सर क्या नाम है आपका। मेरा नाम शुजाउद्दीन है, मैं इलाहाबाद प्रयागराज। अच्छा वेरी गुड अच्छा और नैनीताल का मौसम लगा था आजकल वकील बन गया हमारा दोस्त। कोई बात नहीं, अल्लाह ताला और तरक्की आता फरमाए। उसी के साथ पूरी मार्केट खाली, बहुत ही बढ़िया पानी है, एकदम स्रोत का पानी और मोहर था बहुत ज़्यादा खराब तो ठंडा पानी। हाय गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू अदर ब्लॉग। तो फ्रेंड्स काफ़ी हमारे सब्सक्राइबर का फोन आ रहा है कि नैनीताल आना सेफ है या नहीं है, तो आज आप लोगों को दिखाते हैं क्योंकि काफ़ी लोगों के फ़ोन भी आ गए कि हल्द्वानी का और नैनीताल के बीच के रोड खुले हैं या बंद है, तो आज आप लोगों को यही दिखाने के लिए लेके जा रहा हूँ। उसी के साथ नैनीताल में बहुत ही शानदार मौसम हो रहा है और इन दिनों में नैनीताल आप लोगों को बहुत ही बढ़िया में घूमने के लिए मिल जाएगा। बहुत ही कम प्राइस में आप लोग पूरा नैनीताल घूम सकते हैं बेफिक्र होके, बहुत ही आराम से आप लोग नैनीताल घूम सकते हैं। उसी के साथ दोस्तों नैनीताल में ट्रैफिक भी नहीं है और भीड़ भी नहीं है, तो नैनीताल का ये मौका आप लोग मत छोड़िए घूमने के लिए, सबसे बेस्ट मौका है नैनीताल घूमने के लिए। तो चलिए दोस्तों आज स्टार्टिंग करेंगे हम अपनी ब्लॉगिंग की हल्द्वानी टू नैनीताल। तो पहले हल्द्वानी जाएंगे, उसके बाद आप लोगों को पूरी रोड की लोकेशन दिखाएंगे कि आप लोग हल्द्वानी से आते हैं तो नैनीताल के लिए बीच में क्या क्या पड़ता है, क्या क्या आप लोग घूमते हुए आ सकते हैं। उसी के साथ सबसे मेन आपको दिखाएंगे रास्ते कि भैया रास्ते सारे खुले हैं या बंद है, तो वीडियो एंड तक। जैसे दोस्तों हम हल्द्वानी से नैनीताल के लिए चले ना, तो इतना प्यारा व्यू देखने नहीं मिला ना, रुका नहीं गया, मैंने फ़ोन निकाला और स्टार्टिंग कर दी अपनी व्लॉगिंग। तो दोस्तों नैनीताल में बहुत ही शानदार मौसम हो रहा है, बारिश बिल्कुल भी नहीं पड़ रही है। अगर आप लोग नैनीताल घूमने आना चाह रहे हैं तो बेफिक्र होके बेझिझक होके नैनीताल घूमने आ जाइए। और अभी हम देखें ये वाला रास्ता दोस्तों, राइट साइड में सिटी की तरफ को जाता है हल्द्वानी और ये लेफ्ट में नैनीताल के लिए जाता है। तो इस रोड से आप लोग दोस्तों काफ़ी दूर तक जा सकते हैं पहाड़ों में, अगर आपको जाना है मुक्तेश्वर कौसानी मुंशियारी जहाँ भी जाना है आप लोग जा सकते हैं। और सामने का व्यू देखो आप लोग, बस ऐसे प्यारे प्यारे भाई साहब नज़ारे देखना है ना दोस्तों, हल्द्वानी से नैनीताल के लिए आ जाओ, आपको एक से एक बढ़िया नज़ारा देखने ही नहीं मिलेगा। जैसे हम आपको अपने डेली दिखाते हैं बढ़िया से बढ़िया लोकेशन दिखाते हैं, तो एक लोकेशन आज ये देखिए हमारे साथ, ये देखिए सामने कितना खूबसूरत नज़ारा है। और अभी हमें काठगोदाम रेलवे स्टेशन पे थोड़ा सा जाम मिला, तो दोस्तों आपको बताते थे जैसे आप लोग आते हैं लखनऊ से या कानपुर से यूपी साइड से कहीं से भी आते हैं तो आपकी ट्रेन यहाँ तक आती है, ट्रेन की एंड यहीं तक है, इसके आगे ट्रेन नहीं जाती। यहाँ से आपको जो है नैनीताल के लिए फिर आपको दोस्तों कैब करना पड़ती है और कैब का प्राइस है दोस्तों फुल टैक्सी करेंगे 1000 से 1200 रुपये मिल जाएगी। अगर शेयरिंग में आप लोग करेंगे तो आपको 200-250 रुपये में एक बंदे का आपको मिल जाएगी। उसी के साथ अगर आप बस से जाएंगे तो पहले बस स्टैंड जाइए, ऑटो वाला लेते हैं यहाँ से 20 रुपये, उसके बाद वहाँ से बस में बैठिए 85 रुपये में आप लोग नैनीताल जा सकते हैं हल्द्वानी से। तो चलिए आज हम आपको दिखाएंगे दोस्तों हल्द्वानी से नैनीताल की रोड के सारे व्यू वगैरह और क्या क्या घूमने की जगह हैं बीच में अगर आप लोग नैनीताल घूमने के लिए आते हैं। तो अभी हम आ गए हैं रानीबाग में और यहाँ से आप लोग नैनीताल देख सकते हैं 32 किलोमीटर दूर, 32 किलोमीटर दूर रानी खेत अपना, 42 किलोमीटर दूर 82 किलोमीटर दूर और भीमताल अपना 17 किलोमीटर दूर 17 किलोमीटर दूर सामने आप लोग देखिएगा। और आगे से ही दो रास्ते पड़ते हैं, अगर आपको रानी खेत या भीमताल जाना है तो आप लोग राइट साइड जाइए और नैनीताल जाना है तो आप लोगों को सीधे जाना पड़ेगा। चलिए वो भी आपको दिखा देते हैं, ये दो रास्ते हैं, भीमताल और रानीखेत जाना है तो राइट में जाइए और आपको नैनीताल जाना है तो लेफ्ट में चलिए, जिधर को दोस्तों हम जा रहे हैं आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे सामने देखिए भवाली लिखा हुआ है, नैनीताल है यहाँ से 31 किलोमीटर। और भाई साहब ये देख सकते हैं नैनीताल में अगर आप लोग घूमने के लिए आ रहे हैं तो काठगोदाम से आप लोग स्कूटी हेयर करना चाहेंगे आपकी मर्जी है, आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से फुल एंजॉय के साथ मस्ती करते हुए 3 स्कूटियों में आपस में दोस्त मस्ती करते हुए जा रहे हैं फोटोग्राफी करते हुए। तो अभी हम चल पड़े हैं नैनीताल की तरफ। दोस्तों काठगोदाम से ऊपर चढ़े और हमें लगने लगी है भूख, तो हमें क्या खाना चाहिए आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दो गांव में क्या है, आलू की पकौड़ी और आपका आलू के गुटके और रायता गुटके यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस हैं, यहाँ पे एक बार ज़रूर विज़िट करके आप लोग खाइए। और दोस्तों उसके बाद आप लोग मुझे बताना कि यहाँ पे पकौड़ी और आलू के गुटके और आलू की टिक्की कितनी फेमस हैं और कितनी स्पाइसी और कितनी टेस्टी हैं, तो ज़रूर बताइएगा आप लोग। चलिए आप लोगों को और भी बताएंगे कि भाई यहाँ पे क्या क्या खाने का है,
हल्द्वानी से ऊपर का आप लोग नैनीताल की तरफ आएंगे तो दो तीन बैंड काटने के बाद एक आपको बढ़िया सा झरना देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे देखिए काफ़ी लोग यहाँ नहाते हुए नजर आएंगे, ये सिर्फ आपको बारिश में ही दोस्तों चलता हुआ दिखेगा, ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो नीचे यहाँ से चार से पांच बैंड जो है अपना दो गांव है और ये रास्ता जाता अपना नैनीताल के लिए जहाँ पे अभी हम जाएंगे, हमारी गाड़ी वो खड़ी है। तो चलिए आगे की और जानकारी देते हैं आपको। इसी के साथ दोस्तों यहाँ के काफ़ी फेमस हैं भर्जी भुट्टे वाले, दो गांव और जिलीगोट के बीच में ही आपको बहुत बढ़िया एक काफ़ी तीन चार दुकानें नज़र आएंगी और जहाँ पे आपको काफ़ी भीड़ देखने नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे देखें भज्जी के भुट्टे एकदम निभर जाते, क्योंकि दोस्तों भुट्टे में वो स्वाद है ना आप लोगों को कहीं पे नहीं मिलेगा, सिर्फ भज्जी भुट्टे वालों के पास ही मिलेगा। और चलिए और भी आपको जानकारी देते हैं पूरी अच्छे से। तो ये गाइज आप लोग देख लीजिएगा कि शेर के मुँह में से किस तरीके से पानी निकलना है, और पानी भाई साहब एकदम ठंडा पानी है, कूल कूल। तो अभी पहले पानी पी ले तो दोस्तों थोड़ा पानी आप लोगों को बताते हैं पीके कैसा है। बहुत ही बढ़िया पानी है, एकदम स्रोत का पानी, और मुँह हो रहा था बहुत ज़्यादा ख़राब, तो ठंडा पानी मार के मजवा गया इस तरीके में। तो जिलीकोट से आगे पहुंच जाते हैं, उसके बाद एक सामने ही दो रास्ते हमें नज़र आते हैं और एक रास्ता दोस्तों हम आपको बताते हैं सीधा रास्ता। तो दोस्तों भवाली भीमताल मुक्तेश्वर के लिए जाता है, आपको नैनीताल जाना है तो आपको लेफ्ट के लिए करना पड़ेगा, वही सामने बोर्ड आपको नज़र आ जाएगा, तो बोर्ड पढ़ के आप लोग जा सकते हैं जहाँ को भी आपको जाना है। तो यहाँ से देखिए भवाली से बस आते हुए देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ का व्यू देखें कितना प्यारा व्यू है। और ये यहाँ से देखें नैनीताल है 15 किलोमीटर दूर। तो चलें दोस्तों और जानकारी देते हैं आपको आगे चल के। फाइनली दोस्तों हम रूसी बाईपास पहुंच गए हैं। तो दोस्तों सीजन में जब ज़्यादा भीड़ हो जाती है नैनीताल में तो यहीं पे रोका जाता है, गाड़ी अपनी पार्किंग लगवा दी जाएगी, उसके बाद आपको जो है शटल सेवा द्वारा नैनीताल भेजा जाएगा। और यहाँ से जाने के रास्ते आप लोगों को बताते हैं कहाँ कहाँ आप लोग जा सकते हैं, दिल्ली, अल्मोड़ा, कैचीधाम, हल्द्वानी, भवाली, नैनीताल। और नैनीताल की दूरी है यहाँ से 8 किलोमीटर, अभी हम जाएंगे यहाँ से 8 किलोमीटर दूर पड़ता है। अगर रूसी बाईपास से आप जाएंगे तो यहाँ से आपको पड़ेगा पूरा 17 किलोमीटर दूर नैनीताल। नैनी दोस्तों हम नैनीताल पहुँच गए हैं, नैनीताल का आप लोग मौसम देख सकते हैं कितनी बढ़िया धूप निकल रही है सामने आप देखें, और रोड पर ही एकदम खाली खाली सी। तो देखिए इक्का दुक्का यहाँ पे टूरिस्ट नज़र आ रहे हैं, तो नैनीताल में आजकल बहुत कमी जो है नैनीताल में टूरिस्ट देखने नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। और हम दोस्तों बच गए हैं सबसे सस्ते बाज़ार में, यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे देखिए लोकल की पब्लिक जो है ठंडी ठंडी हवा खाने के लिए बैठे हैं, क्योंकि थोड़ा सा मौसम गर्म हो गया आप देख सकते हैं यहाँ पर, और अभी मार्केट लगी नहीं है। ओह फैज़ान भाई क्या हाल है भाई, तो अपना दोस्त है बचपन का, हमारे साथ दुकान लगाता था, आजकल वकील बन गया हमारा दोस्त, कोई बात नहीं अल्लाह ताला और तरक्की आता फरमाए। उसी के साथ पूरी मार्केट खाली पड़ी है और दुकानें लगेंगी यहाँ पे 4 बजे के बाद, यहाँ पे दुकानें लगती हैं, वो लगती हैं 6 से 8 बजे तक। आप लोग कोई भी चीज़ आपको सस्ता लेना है यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे हम वीडियो शूट करने आए तो हमारे कुछ सब्सक्राइबर मिले हैं, चलिए इनसे मिलते हैं। कहाँ से आए मिले हैं सबसे पहले सर, कहाँ से, क्या नाम है सर आपका? सर कुछ खा रहे हैं, चलिए चलिए आप बताइए सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुजाउद्दीन है, मैं इलाहाबाद प्रयागराज। अच्छा वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा अच्छा। इलाहाबाद और नैनीताल का मौसम बहुत ही सुहाना, बहुत ही बेहतर है। अच्छा और हम लोग हर 2 महीने के लिए, अच्छा जैसे हम आपको बताते हैं वैसे आपको मौसम मिला नहीं मिला? नहीं मौसम बहुत अच्छा मिला। अच्छा और जैसे आप लोग बताते हैं प्रिकॉशन हम लोग लेके आते हैं कि मौसम 3 दिन उधर बारिश हो रही थी, अब मौसम खुल गया, काफी अच्छा मौसम, हम लोग काफी इंजॉय कर रहे हैं, काफी मजा आ रहा है यहाँ पे। तो सब ये साथ में है आपके? सब 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 मेरे साथ में। तो कितना टाइम हो गया नैनीताल आए भी? नैनीताल हम लोग कल आए हुए हैं। अच्छा हम लोग आते रहते हैं नैनीताल। तो बढ़िया लगा आपको सब कुछ? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो चलिए थैंक यू आपको हमारे ब्लॉग में आने के लिए। बिल्कुल के साथ दोस्तों हम पहुंच गए हैं नैनी झील के पास, और नैनी झील के पास हमारे जिशान भाई मिले, तो अभी फ़ोन नहीं उठा रहे थे, उन्होंने फ़ोन काट दिया। और पानी देख सकते हैं लेक का कितना ऊपर तक आ गया है यहाँ पे, इधर साइड में देखें। उसी के साथ कितना प्यारा व्यू आ रहा है आप लोग देखें। बारिश के बाद दोस्तों नैनीताल में घूमने का कुछ अलग ही मज़ा है, बारिश में भी आप लोग आइएगा, बारिश में भी अलग ही घूमने का मज़ा, पर बारिश रुकने के बाद जो व्यू आता है ना दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर देखें, और काफ़ी देखिए झील के अंदर बोटें नज़र आ रही हैं, पर इतनी भीड़ रोडों पर इतनी नज़र नहीं आ रही जितनी दोस्तों झील के अंदर आ रही है, आप देखें सामने।
और इधर साइड में पूरा व्यू देख सकते हैं आप लोग इस तरीके से। उसी के साथ आप लोग ये ज़रूर पढ़िएगा, नैनीताल झील में अगर आप लोग घूमने के नहीं आ रहे हैं तो नैनी झील में चारा नहीं डालना। अगर किसी ने भी आप लोगों को चारा डालते हुए देख लिया तो आपको फाइन भरना पड़ सकता है, इसलिए दोस्तों चारा नहीं डालना आपने। गाइज आप लोगों ने आज के मेरी वीडियो में देख लिया होगा कि नैनीताल से हल्द्वानी की रोड सारी खुली है, कोई भी बंद नहीं है, आप लोग बेझिझक नैनीताल घूमने आ सकते हैं। उसी के साथ नैनीताल का नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत है। तो काफ़ी हमारे सब्सक्राइबरों का कॉल आ रहा था कि शराब भाई नैनीताल आना सेफ है या नहीं है, भाई साहब एकदम बिल्कुल सेफ है, बेझिझक आ जाइए। और इन दिनों में नैनीताल घूमने आने का बहुत ही फ़ायदा है क्योंकि आपको हर चीज़ सस्ती मिलेगी, होटल भी सस्ती मिलेगी और हम आप लोगों को नैनीताल में सस्ते में घुमाएंगे। पर दोस्तों ये नाव का प्राइस बिल्कुल फिक्स है, हाफ चक्कर 320 रुपये, फुल चक्कर 420 रुपये, तो इसका फुल चक्कर है, इसमें कोई बार्गेन नहीं, कोई डिस्काउंट नहीं। सीजन में भी आओगे यही प्राइस है, ऑफ सीजन में भी आओगे यही प्राइस है। तो जो भी मेरी वीडियो पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों में लाइक करना। उसी के साथ अगर आप लोगों को मुझसे कॉन्टैक्ट करना है तो इंस्टाग्राम पर जाइए, शादाब नैनीताल सर्च करिए और मेरा नंबर मांगिए, पूरी नैनीताल के बारे में इन्फॉर्मेशन लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं, बाय बाय।